आज हमने नासिक से एक स्प्रेयर बुलाया है जो संतरा बागानों के लिए इस्तेमाल होता है। इसका फैन कुछ इस तरह का है, पूरी तरह स्टेनलेस स्टील का कवर लगा है, 600 लीटर की इसमें टैंक है। फ्रंट साइड में एक इस तरह का इंपोर्टेड कंट्रोलर दिया गया है जो प्रेशर कम ज़्यादा करने के लिए या वन साइड चालू बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ में इसमें प्रेशर मीटर भी लगा है। यहाँ नीचे में इटालियन डायफ्राम पंप दिया गया है जो एक बहुत अच्छी बात है। इटालियन डायफ्राम पंप में अक्सर हमने स्प्रेयर देखे बड़े महंगे आते हैं, लेकिन एक बात बता दूँ, ये स्प्रेयर केवल 2,80,000 का है। बढ़िया स्प्रेयर हमें लगा है ये। इसमें देखो गेयरबॉक्स दिया गया है फ़ैन के लिए। इसका इस्तेमाल हम फैन की स्पीड कम करने या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या ज़रूरत ना होने पर फ़ैन को बंद भी कर सकते हैं। बड़ा अच्छा फीचर है जो अक्सर इंपोर्टेड ब्लोअर में आता है, और ये एक इंडियन ब्लोअर है, बोरस्ते एग्रोसेल्स नासिक से ये आया है। इसमें नोज़ल जो है वो भी इटालियन लगे है, ये भी एक रेप्यूटेड कंपनी है। फैन जर्मन टेक्नोलॉजी का फ़ैन लगा है। इसमें एयर डिवाइडर प्लेट भी लगे है जो चारों ओर एक समान हवा का दबाव बनाए रखते हैं। रेडियल टायर इसमें दिए गए हैं। चेसिस भी इसका हेवी है, गैल्वनाइज है। यहाँ लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में दो दो अलग से आउटलेट दिए गए हैं ताकि हम एक्स्ट्रा नोज़ल या हैंडगन लगा सकें। दोनों साइड में नोज़ल के पहले इस तरह के दो फिल्टर लगे हैं ताकि कोई कचरा नोज़ल तक ना जाए। अच्छे क्वालिटी का स्प्रेयर हमने बुलाया है। यहाँ दो प्लेट्स लगी है जो टायर से कीचड़ हटाने का काम करती है। इस कुछ बेसिक टूल्स आते हैं। इसकी टाँकी भी बड़ी मजबूत है, अंदर से कुछ इस तरह इसकी टाँकी है। टंकी में दो मिक्सर लगे हैं जो दवाइयों को मिक्स करने का काम करते हैं। तो बड़ा ही अच्छा स्प्रेयर है। ज़रा ट्रैक्टर तो लेके आना, इसे अपन एक बार चला के भी देख लेते हैं कैसा क्या परफॉर्मेंस है इसका। जैसे आप देख पा रहे हैं इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया स्प्रे कर रहा है। मुझे संतरा बागानों में आराम से ये स्प्रे कर लेगा, तो बहुत अच्छा स्प्रेयर मुझे लगा है। आप भी इसे खरीद सकते हैं, बड़े कम कीमत में मार्केट में मिल रहा है। इसे आप घर बैठे ही ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, उन पे आपको कॉल करना है।